हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट एंड दिस इज योर फ्रेंड सागर रैना। बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। तो 2021 में हाल ही में दो एडवर्टाइजमेंट्स जो है एडवर्टाइज की गई थी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, और मैं बताना चाहूंगा यहां पे जितने भी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स अभी देख रहे हैं, अभी एडवर्टाइजमेंट 1 ऑफ 2021 की जो है लास्ट डेट हो चुकी है, बट एडवर्टाइजमेंट 2 ऑफ 2021 की बात करें तो डेट है जो कमेंसमेंट एप्लीकेशन की वो भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो है नोटिस के माध्यम से सिलेबस जो है वो पब्लिश कर दिया गया है दोनों की दोनों एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। और मैं बताना चाहूंगा दोनों की दोनों एडवर्टाइजमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जो है एडवर्टाइज की गई है। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट 1 ऑफ 2021 की बात करूंगा तो यूनियन असिस्टेंट की कुल मिलाकर 400 के अबाउट जो है वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई है, और एडवर्टाइजमेंट 2 में देखें तो 2 में भी जो है वो काफी ज्यादा वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं। तो मैं बताना चाहूंगा इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक तरह से जो है फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कंडक्ट करने जा रही है, बट अगर मैं बताना चाहूं कि रिक्रूटमेंट कैलेंडर के अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजमेंट 4 से लेकर एडवर्टाइजमेंट 7 ऑफ 2020 है जो उनका जो है टाइप टेस्ट कंडक्ट किया जाना था मार्च से लेकर अप्रैल में, बट वो अभी तक जो है कंडक्ट नहीं किया गया है। तो कुछ हद में जो है यहाँ पे सिलेबस और एज पर शेड्यूल से थोड़ा सा लैक हो रहा है, बट यहाँ पे अगर बात करें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तो जितनी सराहना करनी है उतनी कम रहेगी यहाँ पे, बिकॉज अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं स्टार्ट हुई है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइज की गई है, एप्लीकेशन नहीं स्टार्ट हुई है, बट सिलेबस जो है वो यहाँ पे नोटिफाई कर दिया गया है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा। बात करेंगे अगर सिलेबस से और पोस्ट के ऊपर तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है इस पीडीएफ को फिलहाल डाल दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ है, इसको मैं एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो जितनी हो सकेगी डेफिनेटली मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा। बात करेंगे यूनियर स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट और साथ ही में यूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की जितने भी पोस्ट है उनका नेक्स्ट ईयर ए में जो है सिलेबस नोटिफाई किया गया है। नेक्स्ट ईयर बी की अगर मैं बात करूं तो क्लर्क और यूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा है उनका जो है नेक्स्ट ईयर बी में जो है नोटिफाई किया गया है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा ये वो पोस्ट है जो पोस्ट एडवर्टाइजमेंट 1 ऑफ 2021 और 2 ऑफ 2021 पे जो है एडवर्टाइज की गई है। और मैं बताना चाहूंगा यहां पे इलेक्ट्रिशियन वेल्डर और साथ में असिस्टेंट मैकेनिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट ईयर सी में जो है टेलर स्क्रीनमैन इन सबका सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर बात करें नेक्स्ट ईयर डी में आपको जूनियर इंजीनियर जो सिविल में है उनका देखने को मिलेगा, ड्राफ्ट्समैन सिविल का जो है वो नेक्स्ट ईयर ई में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ईयर एफ की बात करेंगे तो ड्रिलर का जो है सिलेबस नेक्स्ट ईयर एफ को देखने को मिलेगा, और टेंथ बेस जो जॉब्स हैं ड्राइवर्स की मैं आपको बताना चाहूंगा उसका जो है आपको नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ईयर एच की अगर हम बात करें तो जूनियर स्टाफ नर्स का जो यहां पे एडवर्टाइजमेंट 2 ऑफ 2021 में हेल्थ डिपार्टमेंट से काफी वैकेंसी एडवर्टाइज की गई हैं उनका सबका सिलेबस जो है आपको नेक्स्ट ईयर जी में मिल जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जे की बात करेंगे अगर तो नेक्स्ट ईयर जे में आपको पटवारी का सिलेबस जो है वो देखने को मिलेगा, और काफी ज्यादा कैंडिडेट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर पटवारी का क्या सिलेबस रहेगा, तो आप जो है नेक्स्ट ईयर जे में जाकर पटवारी का सिलेबस देख सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर ए की अगर बात करें यूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 मार्क्स का जो है उनका सीबीटी कंडक्ट किया जाएगा और 40 मार्क्स का जो है उनका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। 60 मार्क्स की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर 20 मार्क्स की पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश और कंपेरिजन जो है 20 नंबर का आएगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करेंगे तो 10 नंबर का रहेगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो 10 नंबर का रहेगा। कुल मिला के 60 मिनट दिए जाएंगे 60 क्वेश्चन के लिए। और अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस में तो टॉपिक्स आप देख सकते हैं, टॉपिक्स में जो है कुछ भी चेंजिंग नहीं है, पिछले जो एडवर्टाइजमेंट्स में पोस्ट के लिए सिलेबस एडवर्टाइज किया गया है सेम सिलेबस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और डायरेक्टली अब बढ़ते हैं यूनियन असिस्टेंट पोस्ट के लिए नेक्स्ट ईयर बी में, बिकॉज काफी ज्यादा मात्रा में जो है वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं एडवर्टाइजमेंट 1 ऑफ 2021 में। तो बात करें अगर सिलेबस को कंपेयर करें बाकी फर्दर एडवर्टाइजमेंट्स के यूनियन असिस्टेंट के सिलेबस के साथ तो आपको शायद ही कोई टॉपिक यहां पे मिस होता दिखेगा, बट मेरे अकॉर्डिंगली जो है सभी के सभी टॉपिक यहां पे जो है कवर किए गए हैं जो उन एडवर्टाइजमेंट्स में एडवर्टाइज किए गए थे। बात करेंगे यूनियन असिस्टेंट के यहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर की तो मैं बताना 20 नंबर का स्किल टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाएगा और 80 नंबर का जो है सीबीटी कंडक्ट किया जाएगा, 80 मिनट दिए जाएंगे 80 क्वेश्चंस के लिए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि इंग्लिश जो है वो 20 नंबर की रहेगी जिसपे आप टॉपिक मेरे इंटरफेस में देख पा रहे हैं। और उसके बाद बताना चाहूंगा 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर यूटी का जो है वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही मैं अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है 20 नंबर की आपको देखने को मिलेगी जिसमें रीजनिंग का भी पार्ट रहेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी जो है पार्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें बेसिक अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम परसेंटेज एवरेज प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपगेशन एंड टाइम एंड वर्क होगा। ऑलरेडी मैं बताना चाहूंगा जितने भी
कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई कर रखा है एडवर्टाइजमेंट वन ऑफ 2021 में और टू ऑफ 2021 में अप्लाई करना चाहते हैं यूनियन असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो मैं बता देता हूं कि कल की डेट से जो है हमारा सिलेबस प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने कैंडिडेट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब में काफी ज्यादा जो है लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं, और उसके बाद में बात करूं अगर बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर आप देख सकते हैं, सेम टू सेम टॉपिक्स यहां देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस ऑफिस और साथ में ईमेल एंड इंटरनेट। बात करेंगे नेक्स्ट सी की, तो नेक्स्ट सी में भी आप जो है सिलेबस देख सकते हैं। कुल मिलाकर 120 नंबर का जो है पेपर कंडक्ट किया जाएगा और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट ही जो है दिए जाएंगे। तो सिलेबस जो है हर एक पोस्ट के लिए काफी ज्यादा नेक्स्ट में जो है सिलेबस यहाँ पे नोटिफाई कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा। तो जितने भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो है मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ का लिंक डाउनलोड करके आप जो है पूरा का पूरा सिलेबस अपना देख के प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। सो चैनल के साथ बने रहिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।